बीते पेंटिकोस के दिन की वजह से आज भाइयों के अंदर बहनों के अंदर ये तड़प थी कि 9:30 की बजाय 8:30 से भी पहले चर्च में आए। बहुत सारे लोग आज 8:30 से भी पहले चर्च में थे और वो आकर दुआ में ठहरे हुए थे, आज तक भी वो दुआ में ठहरे हुए थे, इसलिए कि खुदा आज आपको अपने रूह से भरे। हालेलुया। सुनिए, बड़ा खुशी का मौका है, पूरी दुनिया के अंदर आज इस ईद को सेलिब्रेट किया जा रहा है। और ये मैं आपको बता दूं, ये ईद पेंटिकोस्ट जो है ये बड़ी जबरदस्त ईद है। मैं इससे पहले कि मैसेज शुरू करूं, अब ईद पेंटिकोस्ट को यहूदी लोग, इसराइली लोग इसको उन ईदों में शामिल करते थे और सेलिब्रेट करते थे, जब खुदा ने जिस तरह ईद फितर थी, ईद फसा थी, इस तरह ये ईद पेंटिकोस्ट पुराने अहदनामे के अंदर इसको गौर से समझना है और सीखना है। पुराने अहदनामे के अंदर ये ईद पहले फलों की ईद के नाम से जानी जाती है। जी मैंने क्या कहा, पहले फलों की ईद के नाम से। जब लोग फसल काटते तो खुदा की हजूरी में अपने फल, पहले फल जो लेकर आते थे, इसको जो खुदा के लोग थे खुदा के हुक्म के मुताबिक सेलिब्रेट करते थे, हैकल में अपने नजराने लेकर आते थे और दूसरी लोगों के साथ इसको भी सेलिब्रेट किया जाता था। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप, मैं आपको हवाला जहाँ जो है वो कुछ बता दूंगा, आपने इसको बाद में जाके स्टडी करना है, क्योंकि हमने आज ज़्यादा प्रेम टाइम गुजारना है, सिर्फ हवाला जहाँ बोलते जाऊँगा। आप पुराने अहदनामे में अखबार में इसको जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जिक्र मिलेगा, वहाँ पर ईदों का जिक्र है और इसमें इसका है। और आगे हम बढ़ते हैं, ये ईद एक और नजरिए से भी सेलिब्रेट की जाती थी। वो इसलिए जब खुदा का बंदा मूसा खुदा के पास गया और खुदा ने उसको शरीयत दी और वो शरीयत लेकर नीचे आया, और यहूदी लोग, इसराइली लोग इसलिए भी सेलिब्रेट करते थे कि खुदा ने हमें अपना कलाम दिया था, अपने अहकाम दिए थे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भी इसको सेलिब्रेट किया जाता था। जल्दी से आगे हम बढ़ते हैं। अब ये ईद जो थी ये इसराइलियों में उस वक्त सेलिब्रेट होने वाली है। अब ये इस वक्त ईद पेंटिकोस्ट वाले दिन रूह कुदस क्यों नाज़िल हुआ, ये एक बड़ा भेद है और इसको सीखना बड़ा जरूरी है। खुदा अपने हर मंसूबे को एक तरतीब देता है, खुदा अपने कामों को क्या करता है, क्या करता है, तरतीब देता है। ये वो ईद थी जिस तरह उन्होंने फसा की ईद बनाई और ये ईद चल रही थी। अब इस ईद का वक्त आने वाला था और यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने से पहले शागिर्दों में रहे, उनको नजर आते रहे, उनके साथ कलाम करते रहे, उनके साथ गुफ्तगू करते रहे, उनको तालीम देते रहे कि मेरे जाने के बाद तुमने ये करना है, ये करना है और इस तरह खुशखबरी पहुंचानी है। और इससे पहले कि वो उठाए जाते, यीशु मसीह ने ये भी कहा था कि जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम क्या पाओगे, कुदरत पाओगे। और फिर आगे लिखा है कि सामरिया में जहां जहां भी जितने भी उस वक्त यीशु मसीह ने इलाके अनाउंस किए थे, वहां पूरी दुनिया के अंदर जाकर अंजील की मनाती का। अब ये वो अहकाम थे जो यीशु मसीह के थे। अब मैं बताना ये चाहता हूं, ईद पेंटिकोस्ट का दिन रूह कुदस के नजूल का दिन क्यों हुआ, वजह यह थी। अगर अमाल में देखे तो हमें इसका बड़ा खास जिक्र मिलता है और ये जिक्र अमाल के दूसरे बाब के अंदर ही हमें मिलता है। यहाँ पर खुदा के लोग जो ईद मनाने आते थे वो एक जगह पर जमा थे और वो सब लोग तरह तरह के इलाकों से आए हुए थे और वो आकर ईद के लिए वहाँ पर ठहरे हुए थे। और जब वो ईद के लिए ठहरे हुए थे तो
अगर हम इसको दूसरे बाप की पांच आयत को देखें, जल्दी से मैं चाहूँगा हवाला जहाज निकाल के रखें, ज़्यादातर हम दूसरे बाप में रहेंगे, और मैं चाहूँगा जितने लोग हवाला पढ़ सकते हैं वो जल्दी से मेरे साथ हवाला पढ़े। ये दूसरे बाप की पांच आयत, हाथ क्या जो हवाला पढ़ना चाहता हूँ जी जल्दी से पढ़े। दूसरे बाप की पांच आयत के अंदर हमें यहाँ पर मिल रहा है कि उन्होंने स्टे किया हुआ था, वो मुख्तलिफ तरीकों से खेमे लगाते थे, वो कमरे जो है वो रेंट पे लेते, जो कुछ भी उनका मेथड था उस वक्त। हम इन गहरी चीज़ों यानी ये जो हिस्ट्री की चीज़ें की तरफ नहीं, हम रूह कुदस की तरफ जाना चाहते हैं ताकि हम रूह कुदस को सीख सकें। यहाँ पर ये लोग रह रहे थे, 50 दिन की ईद मनाने आए हुए थे, और इन्होंने अपने मकान लिए हुए थे, खेमे लिए हुए थे, और लिखा है कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आए हुए थे, यहूदी लोग। कौन लोग? कितनी कितनी कितने लोगों से? पूरी दुनिया से यहाँ पर लिखा, और हर कौम में से जो आसमान के तले है खुदा दस यहूदी यरूशलम में रहते। अब इसका मतलब ये है कि ये जो लोग हैं जहां जहां भी पूरी दुनिया के अंदर यहूदी फैले हुए थे, वो तमाम यहूदी आए। किस वजह से आए? कि इस यरूशलेम के अंदर आकर हम ठहरे और सारी ईद जो है उसको सेलिब्रेट कर सके। हालेलुया। ये 50वें दिन की ईद होती थी, 50वें दिन ये ईद जो है वो मनाई जाती थी। कुछ हवाला जात आपको बाद में होगा, टाइम की जो है वो शॉर्टेज है हमारे पास। यहां पर ये लोग ईद सेलिब्रेट करें, और खुदा को पता था कि इस ईद के मौके पर यहूदी लोग जो अभी तक मेरे बेटे पर ईमान नहीं रखते, जो मेरे बेटे को जो है वो सजदा नहीं करते, जो उसकी मनाती नहीं करते, उसको जो है उसके जी उठने की खुशखबरी को तस्लीम नहीं करते और उसको मान नहीं रहे कि वो ही मसाया था, वो ही खुदा का इकलौता बेटा है। खुदा ने ये प्लान किया कि इन लोगों को मैं उस वक्त ये खुशखबरी सुनाऊंगा जब ये लोग ईद मनाने यरूशलम के अंदर आए होंगे, और सारे लोग पूरी दुनिया से लोग जमा होंगे यरूशलम के अंदर, और जब ये सारे जमा हो जाएंगे, ईद का एंड मौका होगा, पहले फलों की ईद का मौका होगा, तो फिर मैं अपने रूह को नाजर करूंगा, और फिर मेरे रूह के नाजर होने से मेरे बेटे के जो शागिर्द हैं वो उससे भर जाएंगे, 120 की जमात जो है वो भर जाएगी, और भरने के बाद उनके अंदर से रूह कुदस बोलेगा, कलाम करेगा, और कलाम करने के वसीला से लोग जो पूरी दुनिया से आए हुए हैं उस कलाम को सुनेंगे, यीशु मसीह की खुशखबरी को सुनेंगे, और सुनकर वो तौबा करेंगे, उसको तस्लीम करेंगे, यीशु के नाम का बपतिस्मा लेंगे। ये आगे ईमान के अंदर लिखा हुआ, जब पत्रस ने कलाम किया तो एक दिन के अंदर 3,000 लोगों ने तौबा कर ली। पूरी दुनिया से इस जगह पर जमा है, और इन्होंने जमा होकर क्या करना है, इनको मनाना है, और मैं अपना रूह नाज़िल करूंगा, और लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, जो मेरे बेटे पर ईमान रखते हैं, वो रूह कुदस से भरेंगे, और जब भरेंगे तो अंदर से कलाम निकलेगा, अंदर से यीशु की गुवाही निकलेगी, अंदर से यीशु मसीह की खुशखबरी निकलेगी, और वो उस खुशखबरी को सुनकर उस पर अमल करेंगे, और फिर वो कहेंगे कि हम भी यीशु को कबूल करना चाहते हैं, और फिर वो कबूल करेंगे, और फिर उनको भी रूह कुदस में दूंगा, और वो बपतिस्मा लेंगे, और रूह कुदस इनाम में पाएंगे, और उसके बाद जब वो अपने अपने इलाकों में जाएंगे, अपने अपने मुल्कों में जाएंगे, अपने अपने उन इलाकों के अंदर जाकर यीशु मसीह के रूह से भरे होंगे, यीशु मसीह को कबूल करके जाएंगे, तो वहां पर जाकर ये पूरी दुनिया से आएंगे, और पूरी दुनिया में वापस लोग जाकर यीशु मसीह की खुशखबरी को सुनाएंगे कि हमारे साथ जो है फलों की ईद के मौके पर क्या हुआ, यीशु मसीह हमें मिला, और यीशु मसीह जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। खुदा का
एक जबरदस्त मंसूबा था, इस वजह से ईदे पेंटिकोस के दिन जो है वो रूल को उसका नजूल हुआ। बताना मैं आपको ये चाहता हूँ कि ये ईद पहले इससे भी मनाई जाती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को इस भेद की समझ आई कि ईद पहले भी मनाई जाती थी और रूह कुदस इस ईद के मौका पर इस वजह से नाजिल हुआ ताकि लोग उसको हासिल करें और पूरी दुनिया में फैल जाए और खुशखबरी जो है यीशु मसीह की पूरी दुनिया तक पहुंचे। हालेलुया, आमीन, आमीन। खुदा के प्लान के लिए मैं चौका सो करता हूं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रूह कुदस की जरूरत क्यों पड़ी जी? क्या मैं कह रहा हूँ? रूह कुदस की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? ये क्यों जरूरी था? नंबर वन, नबूवत के लिए। मेरे साथ अमाल दूसरा बाप उसकी 17 आयत को निकाले। रूह कुदस के नाजुल होने से नबूवत होती है, इसलिए रूह कुदस की जरूरत थी ताकि नबूवत हो सके। नंबर दो, रोया मिल सके। नंबर दो, रोया मिल सके। नंबर तीन, हुआ खुदा ख्वाब के जरिए बोले। हालेलुया, हालेलुया। रूह कुदस की जरूरत क्यों? पहला पॉइंट मैंने क्या बताया है? नंबर वन, नबूवत हो। नंबर टू, रोया देखी जाए। नंबर थ्री, ख्वाब देखी जाए, वो ख्वाब जो खुदा दिखाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं उन ख्वाबों की बात करूं जो खुदा के साथ जिसने खुदा उनको दिखाता है। मैं दुनियावी लोगों के ख्वाबों की बात नहीं करता जी। नंबर फोर, कुवत पा सके। जी मैंने क्या कहा? और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। खुदावन्द फरमाता है मैं अपने रूह में से हर बशर पर आखिरी दिनों में क्या करूंगा? डालूंगा। और क्या होगा? रूह के डालने से क्या होगा जी? बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे। बेटे और बेटियां, मैंने बताया कि नबूवत के लिए रूह का नाज़िल होना। आमीन, आमीन, आमीन जी, आमीन, आमीन। रूह का नाज़िल होना जरूरी है। जितने लोग रूह को उसको हासिल करना चाहते हैं वो मेरे साथ ऊंची आवाज में रहे। हालेलुया, हालेलुया। सो दूसरा मैंने पॉइंट जो बताया जी, पढ़िए आगे। और तुम्हारे जवान रोया। जी जवान क्या करेंगे? कैसे रोया देखेंगे? रूह कुदस के नाज़िल होने से। हालेलुया, हालेलुया। कैसे रोया मिलेगी? रूह कुदस के नाज़िल होने से। रूह कुदस होगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे, और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। अब बूढ़े लोग ख्वाब देखेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर, ये बात थोड़ी सी मैं टच इसको करूंगा। यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे बेटे बेटियां जो है वो नबूवत करेंगे। आप नौजवान जो लोग होते हैं उनको खुदा के कलाम में इंटरेस्ट नहीं होती। अगर रूह कुदस उनकी जिंदगी में आ जाए तो वो ही दुनियावी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी और रूह कुदस की इंटरेस्ट शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी नौजवान के पास खड़े हो जाए, दुनिया की सारी बातें आपको बताएगा, लेकिन खुदा के रूह के बगैर वो बाइबल की बात आपको नहीं बता सकेगा, क्योंकि बाइबल उस वक्त समझ आएगी जब रूह कुदस नाज़िल होगा। उसके बाद बूढ़ों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बूढ़े लोग, किसी बूढ़े के पास बैठ जाएं तो बूढ़े लोग करेंगे क्या? बातें क्या होती हैं? मैंने ये किया, मैंने, उनके पास कलाम की बातें काम होती है। कलाम की बातें तब होंगी उनके पास जब रूह कुदस की जिंदगी में। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ये प्लान करता है कि मैं बूढ़े लोगों के ऊपर रूह कुदस जब नाज़िल करूंगा तो वो ख्वाब देखेंगे, वो सुबह उठेंगे, अपने बेटों को, बेटियों को, मोहल्ले वाले बच्चों को, उनको कहेंगे कि बेटे मैंने ख्वाब देखा, मेरे अंदर ये वीन है, मेरे अंदर ये ख्वाब है, मेरे अंदर ये रोया है, मैंने ये देखा। मैं ये चाहता हूँ कि आंदा तुम्हारी नस्ल खुदा के कलाम को जाने, खुदा के कलाम की पहचान रखे। मेरा ये ख्वाब है जिस तरह लामा इकबाल का ख्वाब था कि पाकिस्तान, और खुदा का रूह जब नाज़िल होता है तो बूढ़ों का ख्वाब क्या होता है कि हमारे बच्चे खुदा के कलाम को सीखें। हालेलुया। वो कैसे ख्वाब देखते हैं कि मेरा बेटा जो है वो खिदमत कर रहा है, मेरा पोता जो है वो खिदमत कर रहा है, मेरी पोती जो है वो प्रस्तुत कर रही है। ऐसे ख्वाब तब आएंगे जब रूह कुदस उनकी जिंदगी में होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। रूह
कुदस का होना बड़ा जरूरी है। उसके बाद मैंने आगे आपको बताया था कि वो कलाम में लिखा है कि गवाह बनने के लिए, यीशु की गवाही देने के लिए रूह कुदस का होना लाजम है। रूह कुदस का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अगर इसको देखना चाहते हैं तो अमाल के अंदर ही, अमाल पहले ही करके एक बार के आठ आज के अंदर ही आपको ये मिलेगा। जल्दी से, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुवत पाओगे। ठीक, रूह कुदस जब नाजिल होगा तो क्या पाओगे? कुवत पाओगे। कुवत रूह कुदस के नाजिल होने से मिलती है। जी, और यरूशलेम और तमाम पूरी दुनिया के अंदर, इसको मैं शॉर्ट करता हूँ टाइम की कमी की वजह से, एंड पे क्या लिखा हो, पूरी दुनिया के उन्होंने गैर जुबान बोली तो उनका शोर इतना था, उनकी आवाज इतनी थी कि पूरे यरूशलेम के अंदर बाला का अंदर के उस हैकल के अंदर आवाज पहुंच गई। हालेलुया, हालेलुया। इतनी उनकी आवाज थी, इसलिए आपकी आवाज भी जो है मेरे साथ साथ होनी चाहिए ताकि रूह कुदस खुश हो और आपकी जिंदगी भी नाजुक हो। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और मैं आपको बताना था, रूह कुदस हासिल कैसे किया जाता है। मैंने एक बात जो है वो थोड़ी सी हाइड की है, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ। अमाल 2:19 में लिखा हुआ है, यीशु की खुशखबरी पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए रूह कुदस की जरूरत है, गवाह के लिए, और उसके बाद अजीब काम आपकी जिंदगी में जाहिर हो, मुजजात जाहिर हो, यानी दुनिया उनको अजीब काम कहे, उन अजीब कामों को करवाने के लिए रूह कुदस चाहिए। इसका बड़ा आसान हल बताया है। अमाल 2:38 में लिखा हुआ है कि रूह कुदस अगर आपने हासिल करना है तो उसके लिए आपको पहला काम क्या करना है। रूह कुदस कितने लोग आज यीशु को कबूल करना चाहते, हाथ खड़ा कर, दो दिन बाद या दो हफ्ते बाद फिर एक मीटिंग है, कितने लोग यीशु को कबूल करना चाहते फिर हाथ खड़ा करते, ये वो तोबा नहीं है। यहाँ पर तौबा वो चाहिए जो 120 की जमात ने की थी। वो तौबा पता कैसी थी? वो ऐसी तौबा थी, वो 10 दिन तक इंकरार करते रहे, नीच करते रहे, अपनी सारी कामियों को निकालते रहे, बार बार याद करते रहे, मेरे पास ये भी कमजोरी है, और वो दूसरे के साथ डिस्कस करते थे, मैं इसको कैसे निकाल सकता हूँ, मेरे पास क्या, मुझे क्या करना है कि मैं इसको निकाल सकूँ। प्रॉपर तौबा। मैं फिर ये बात वाजह कहना चाहता हूँ, मैंने परसों मैसेज के अंदर भी बात की थी, आज की तौबा ऐसी तौबा है, 7 तौबा होती है और 7 टिकटॉक चलता है गानों वाले, आज की तौबा ऐसी है, 7 तौबा होती है, 7-3 घंटे की फिल्म देख रहे हमने ऐसी, आज की तौबा ऐसी है, हम इंडिया के जो है और बार बार के वाले के इंटरनेशनल सॉन्ग सुन रहे हैं कि एक ही तौबा है। यहाँ पर वो तौबा थी टोटल एवरीथिंग चेंज, कोई भी दुनियावी ख्वाहिश उनकी जिंदगी में बाकी नहीं रही। जी तौबा, जी मैं कौन सी तौबा की बात कर रहा हूं? बाइबल की तौबा। चुप हो गए तौबा के नाम, कौन सी तौबा? बाइबल की तौबा। अंदर से खुदा आपको जानता है आपके दिल के अंदर क्या चल रहा है। मैंने परसों भी और ये बात बताई थी, मैं ऐसे खादमों से मिला हूँ जिनके लैपटॉप्स के अंदर, मोबाइल्स के अंदर मैंने गाने, मूवीज, और मैंने, मुझे शर्मिंदगी होती है ये बात कहने में, लेकिन ये सीखने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने पूछा जी आपके आपके ये क्या कर रहा है, ये मूवीज है क्या? क्या जी सीखने कुछ मिलता है जी इन बच्चों, नॉलेज के लिए देखते हैं। अब बाइबल पूरी भरी भरी है हिस्ट्री से, नॉलेज से। आप जब इन चीज़ों को प्रॉपरली चेंज कर देते हैं तो जो पत्रस कह रहा है कि तुम में से हर एक जो है वो जब तौबा करेगा तो फिर क्या होगा, यीशु के नाम से बपतिस्मा लेगा और रूह कुदस तुम
तौबा ठीक होती है, तौबा जब दिल से होती है, तौबा जब कलाम के मुताबिक होती है, तौबा जब रूह कुदस की लेने के लिए तड़प के साथ होती है, प्यास के साथ तौबा की जाती है, तो कलाम में लिखा है उस तौबा के बाद इतना जबरदस्त खुदा काम करता है कि रूह कुदस जो है वो तौबा को देखकर इनाम के तौर पर आपको दे देता है। हालेलुया। इनाम ये नहीं है कि उसके लिए तड़पना पड़ेगा, तौबा ठीक है तो रूह कुदस वैसे ही इनाम में मिल जाएगा। वजह यह है कि खुदा आपके दिल को पसंद करता है, खुदा का जो रूह है उसने दाऊद के दिल को चेक किया, उसको पसंद है, तो फिर खुदा ने कहा ये मेरे दिल के आमीन आमीन जी आमीन आमीन। खुदा आपको पसंद करता है, रूह को दस तौबा के साथ मिलता है। सो आगे हम बढ़ते हैं, टाइम फिर हमें जो है वो क्लोज कर रहा है। खुदा का रूह पुराने अहदनामे में जबरदस्त तरीके से नाजिल हुआ, जल्दी से पहला सुरती उसका 8:10-11 आयत को देखेंगे। रूह कुदस यहां पर भी नाजिल हुआ, खुदा का अमर जो है वो छा गया। पहला सुरती उसका 8:10-11 जी हाथ दिखाए जी कि जितने हवाला निकाल दिया जी, पूरे पढ़े फ्रेंड्स भी ना पढ़े ऊंची आवाज में। खुदावन का घर क्या हुआ? अबर से भर गया जी। सो काहिन इस अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना हो सके। यहाँ पर रूह कुदस जो है खुदा का अबर ठहरा है, और अबर इस तरह ठहरा है जब आसमान से हेक्टर के ऊपर पहली बार अबर ठहरा, खुदा का मस्सा ठहरा, तो वहां पर जो खिदमत करने वाले थे, वहां पर जो खुदा के लोग कहलाते थे, उनकी टांगे कांपना शुरू हो गई और वो ऊंचे मुंह गिर गए, ऐसे सीधे गिर गए, खुदा के सजदे में गिर गए। क्यों? क्योंकि खुदा का अबर, खुदा का रूह वहां पर मौजूद है, और जब रूह कुदस नाजिल होता है तो खुदा के सजदे ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। अगली बार खुदा यहां पर अपने लोगों को तजर्बा दे रहा है कि कैसे जब अबर छा गया तो अपने पांव पर जी बैठे, थैंक यू सो मच, खड़े न रह सके, यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद हम अमाल में आते हैं, अमाल में जब ईदे पेंटिकोस का दिन आया तो लिखा है क्या हुआ, जब ईदे पेंटिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह पर जमा होने का मतलब ये है 120 की जमात जो है यीशु मसीह जब आसमान पर जा रहे थे तो नीचे शकीन उसके ठहरे हुए हैं, वो गुफ्तगू कर रहे हैं, और गुफ्तगू करते करते क्या हुआ, यीशु मसीह उनको तालीम देते हुए एकदम से उनसे अलग होना शुरू हो गए। यीशु मसीह के पांव जो हैं वो जमीन पर पहले टिके नजर आ रहे हैं, अब यीशु के वही पांव जो है वो जमीन को छोड़ रहे हैं, और जैसे जैसे जमीन के ऊपर यीशु मसीह खड़े जो थे वो जमीन को छोड़कर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है शकील जो थे वो दंग रहना शुरू हो गए, उन्होंने देखते देखते हैरान होना शुरू हो गए कि अभी तो उस्ताद हमारे साथ बात कर रहा था, अभी तो वो जमीन के ऊपर खड़ा था, हम भी जमीन के ऊपर खड़े हैं, हमें कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उनके देखते देखते जो उनका उस्ताद है, उनका जो रहनुमा है, उनको तालीम दे रहा है, और तालीम देते देते आखिर उसने बात ये कही कि तुम कुबत का लिबास पाने से पहले एक जगह पर ठहरे रहना, और जब कुबत का लिबास मिले उसके बाद क्या करना, पूरी दुनिया के अंदर फैल जाना, और मेरी खुशखबरी को यानी मेरे दुनिया में आने का मकसद, मैं किस लिए आया, मैं किस लिए तालीम देता रहा, मैं किस लिए जमीन पर मौजदा करता रहा, और फिर मुझे जो है वो सलीब पर चढ़ाया गया, मुझे दफन किया गया, और दफन हो करने के बाद फिर एक वक्त आया मैं मुर्दों में से अपनी कुदरत से अपने जोर से अपने फाते नाम के वसीला से उठ खड़ा हुआ, और दुनिया में दोबारा 40 दिन तक नजर आता रहा हूं, और मैं ये साबित करता हूं कि मेरे अंदर अपनी जान देने का और अपनी जान को वापस लेने का प्यार है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो ये साबित करना, अब शकील हैरान है कि हमने आज तक ये कभी नहीं सुना, हमने आज तक ये कभी नहीं देखा कि जमीन जो
करती है, चीजों को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ यहाँ पर उगते शक्ल को क्रिएट करने वाला मौजूद है, उगते शक्ल को बनाने वाला मौजूद है। अब उसका जब टाइम हुआ तो उगते शक्ल उसको अपनी तरफ खींच नहीं सकी, क्योंकि उसको आसमान पर जाना है, और जब वो जाएगा तो वापस उसके आने से पहले उसने एक और मददगार भेजना है जो पूरी दुनिया के अंदर उसकी मुनादी करवाएगा और उसकी कुष्ठ भी फैलाएगा। वो आसमान की तरफ जा रहा है, और कलाम में लिखा जो शकील थे वो देखते देखते ऊपर थक गए, उनकी गर्दन, कलाम में लिखा है वो गर्दन ऐसे हो गई, और यीशु मसीह उनकी आंखों से उजल हो गया। और जब उजल हो गया तो फिर क्या हुआ, ऊपर आसमान से, क्योंकि आसमान का मालिक, जमीन का मालिक ऊपर आसमान की तरफ जा रहा है, और ऊपर जा गया तो फरिश्ते जो हर वक्त उसके सामने उसके हजूर में खड़े रहते हैं, कदूस कदूस पुकारते हैं, उसके ऑर्डर के मुंतजिर होते हैं, उसके ताबे होते हैं, वो फरिश्ते फौरन उसने जमीन पर भेजे, और कलाम में लिखा उन्होंने कहा आए गलीली मर्दो तुम आसमान की तरफ क्यों देखते हो। सुनो, यही यीशु जो आसमान की तरफ गया है, यही यीशु जो ऐसे ही फिर आसमान से तुम आते दिखोगे। हालेलुया, हालेलुया। खुशखबरी थी, और शागिर्दों ने जब ये मैसेज लिया तो लिखा है कि वो फौरन वहां से निकले और सबत के तरफ जो मंजर थी उसका नाम बाला खाना था, वहां पर जमा हुए और 10 दिन तक उन्होंने मुसलसल प्रेम करते रहे, दुआ करते रहे, मसीह के कामों को बयान करते रहे। और हुआ क्या, मिलाकर जब पेंतेकोस्त का दिन आया, क्योंकि वो मसीह की गुफ्तगू करते थे, मकसद होगा और मकसद क्या है, हम मसीह की बातें करें, तेरे साथ क्या तजर्बा मसीह ने दिया तुझे, वो मसीह की बातें करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो वो 10 दिन तक वेट करते रहे, बैठे रहे, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने पता कि कब का रोल को, वो सिर्फ ताबेदारी करते रहे। और जब वो दिन आया पेंतेकोस्त का, तो वहां पर वो बैठे हुए थे और यहूदी पूरे यरूशलेम में फैले हुए थे। बाला खाना ऊपर वाली मंजिल थी, ऊपर वाली मंजिल थी। और हुआ क्या, कलाम में लिखा है जब वो एक जगह पर जमा थे तो दूसरी आयत में लिखा है यका यक आसमान से, जी बालू खुली है आसमान से ऐसी आवाज है जैसे जोर की आंधी का, और उससे हुआ क्या, उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उसके बाद क्या हुआ, उन्हें आग शोला सी फटी जुबाने दिखाई दी, और जहां पर वो बैठे थे खाना हिल गया, उसके नींव हिल गई, सिर्फ एक वो बिल्डिंग हिल रही है, बाकी सारी जगहों पर सुकून है। वजह क्या है, वहां पर हलाने वाले मौजूद हैं, वहां पर नियों को हलाने वाले मौजूद हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कलाम में लिखा है कि जब आसमान में खुदा ईटे पैंती कोस के दिन सारे लोग दिन के वक्त वहां पर पहले पैर में मौजूद थे, और वो ईद को आखिरी दिन जो जो ईटे पैंती कोस था उसको सेलिब्रेट कर रहे थे, सारे लोग जमा थे, और एकदम आसमान Thank you.
और उनमें बड़ी बात बता दो। 120 की जवाब में यीशु की माँ मुकस्सा मरियम भी थी, वो भी गैर जुबानी बोल रही थी। हालेलुया, हालेलुया। हम भी गैर जुबानी बोल रहे थे, लिखा है वो सब के सब रूह से भर गए और गैर जुबानी बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उनको बोलने की ताकत बची। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो भर गए। अब हुआ क्या, ये आज के दिन काम हुआ और ये एक बड़े अरसे के बाद काम हुआ। इससे पहले एक जगह पर जुबानों की तब्दीली हुई है। कब हुई है? जब लोग बाबल का बुर्ज बना रहे थे, इरादा करके किसी खुदा तक पहुंचना, एक बुर्ज बनाने हैं किसी खुदा तक पहुंचना, खुदा के खिलाफ हालांकि खुदा कभी भी अगर ऐसा खुदा चाहता तो खुदा पहले से कोई ना कोई सीढ़ी बना देता आसमान तक पहुंचने के लिए। लेकिन उन्होंने अपनी अकल से खुदा की तरतीब को जो है वो चेंज करने की कोशिश की। उन्होंने इरादा किया कि खुदा तक पहुंचना के बुर्ज बनाएंगे, उसके ऊपर चढ़ेंगे और आसमान तक पहुंच जाएंगे। तो क्या हुआ, खुदा ने क्या किया? जी जी, कितने लोग जानते क्या हुआ वहां पर? खुदा ने उनके जुबानों के अंदर इख्तलाफ डाल दिया। वो जुबाने तरह तरह की आपस में बोल रहे, समझ ही ना आई किसी को क्या करना है। अगर कोई गारा मांग रहा है तो ईंटे दी जा रही है, अगर कोई ईंटे मांग रहा है तो उसको जो है वो कोई और चीज दी जा रही है। तरह तरह के लोग वहां पर मौजूद थे। जुबान एकदम वहां पर भी खुदा का रूह नाज़िल और जुबान चेंज हो गई, क्योंकि खुदा के खिलाफ प्लान था। मैं क्या कह रहा हूँ, खुदा के खिलाफ प्लान था। जहां पर खुदा का मुकाबला किया जा रहा था और यहां पर ये पेंटिकोस्ट के दिन दोबारा जुबानों का जो है वो खुदा तब्दीली पैदा करता है। यहां पर लिखा है कि उन्होंने सब के सब जो थे वहां पर रूह से भर गए, उन्होंने गैर जुबानें जो पहले कभी नहीं उन्होंने बोली वो गैर जुबानें बोलना शुरू हो गए, वो रूह से भर गए। और यहां पर जुबानें जब गैर बोली जा रही है तो अजीब काम क्या, पहले जुबानें तब्दील हुई क्योंकि खुदा का मुकाबला कर रहे थे। खुदा उसको गुस्सा आया, उसने जुबानों के अंदर इख्तलाफ डाल दिया। यहां पर खुदा अपने लोगों की ताबेदारी देकर, अपने लोगों की फास्टिंग देकर, अपने लोगों की प्रेम की रूटीन देकर खुदा खुश हो रहा है। और 120 जो जमात बैठी है वो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, खुदा के बेटे पर ईमान रखते हैं, और वो ईमान ये रखते हैं कि यीशु ही निजात दिलाता है। यहां पर ताबेदारी करने की वजह से रूह कुदस नाज़िल हुआ और कलाम में लिखा है वो गैर जुबानें बोल रहे। और गैर जुबानें बोल किस तरह, गैर जुबानें बोल रहे गैर जुबानों के अंदर बड़े बड़े खुदा के अजीब कामों का बयान कर रहे हैं। यहां पर जुबानों के अंदर खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर खुदा नाराज नहीं है, खुदा खुश है क्योंकि खुदा की तारीफ हो रही है। हालेलुया, खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान किया जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा ये पसंद करता था। उन पर आग शोला की जुबान उन पर नाजिल हुई और खुदा उनसे बोला, मैं इसको खत्म करने लगा हूं, बहुत कुछ खुदा ने मुझे सत्ता ने दिया था। आगे यहां पर आखिरी बार बताने लगा हूं, खुदा अजीब है और गैर जुबानों में खुदा के वो गैर जुबानी बोल रहे, शगिर्द गैर जुबानों के लोग क्या सुन रहे, लोग ये समझ रहे कि खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान किया जा रहा है। और कलाम में लिखा है जब वो जुबानें बोल रहे थे तो हुआ क्या, सारे लोग दौड़े उस मंजर की तरफ दौड़े और वहां पर रश लग गया, भीड़ लग गई, लोग उनको देख रहे और वो दुआएं बोल रहे, दुआ कर, उनको लोगों की परवाह नहीं है। फिर वहां पर एक काम हुआ, लोगों ने अपने अपने कमेंट्स देने शुरू किए, किसी ने कहा ये बड़ा अजीब है, किसी ने कहा कि ये सब तो यहाँ के रहने वाले, ये तो सब अरामी पत्रस और उनके उनके इलाके की अरामी जुबान थी, ये तो अरामी लोग हैं, ये हमारी जुबान कैसे बोल सकते हैं। साहब आज के दौर की बात कर रहा हूँ, अगर वहाँ पर कोई पश्तो था तो पश्तो एक ही बात कर रहे, वो गैर जुबान बोल रहे लेकिन पश्तो वो पश्तो वाले को पश्तो समझा रहे, सिंधी वाले को सिंधी समझा रही है, जो हिंदू लोग हैं उनको हिंदी समझा रही है, जो पारसी लोग हैं उनको पारसी समझा रही है। वो एक ही काम, शागिर्द जो थे जो 120 की जमात थी वो सिर्फ
तय जुबाने बोल रहे और समझने वालों को क्या समझ आ रही कि शेर मेरी ये तो कभी बोल नहीं सकता था, ये इस कदर साफ सुथरी मेरी जुबान बोल रहा है जिस कदर मुझे भी नहीं आ रही, ये कैसे, ये अच्छी। लोगों ने कमेंट्स देना शुरू कर दिया और वहां पर वो भी ईद सेलिब्रेट करने आए थे जो मैं पीते थे, शराब पीते थे। पता शराबियों के कमेंट्स वहां पर क्या आते, जैसा बंदा होता है उसी कमेंट्स देता है, उनके कमेंट्स पता क्या आते, उन्होंने कहा वो इतना शराब पीते ताजा में आते देशी थे, इन्होंने पता ही है कि बोले जा रहे हैं। तो जब ये बात हुई तो कलाम में लिखा पतरस भीड़ को देखकर जब ये लोग कहने शुरू हो गए तो पतरस 120 की जमात में से सवालों को जवाब देने के लिए पतरस खड़ा हुआ और उसने उनको बताना शुरू किया। आगे पतरस का जो वाज शुरू हो जाता है कि जो कुछ तुम समझ रहे हो कि हम ताजा में कि नशे में हैं, अभी तो पहर का आगाज हुआ है, इस पहर के आगाज में कभी भी कोई मैं नहीं पीता, जब शाम होती है तो फिर लोग मैं पीते हैं, सुबह को कोई मैं नहीं पीता, निर्णय के लिए जेड़ी को पीता। पतरस ने उनको ये बताना शुरू किया और इस बात का सवाल का जवाब देते हुए जिन्होंने कहा था ताज़ा में के नशे में, फिर पतरस ने रूह कुदस से हार चुका था, ये वो पतरस था जो यीशु का इनकार करता था, ये वो पतरस था जो यीशु से दूर भागता था, ये वो पतरस था जब यीशु के शरीर पर चढ़ाने के बाद दफनाने के बाद शागिर्दों का पतरस हमारी मदद कर आप यीशु ने तू लीडर है, तो पतरस कहता मैं नहीं कुछ कर सकता। ये वो पतरस जो भागता था, आप ये वो पतरस है जो पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं और उनके सवालों का जवाब देने के लिए खड़ा हो गया, क्यों रूह कुदस से आ गया। इस कदर कुदरत रखता है कि दुनिया के हर आलम का जवाब आपके जहन में आ सकता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।